दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। राजधानी शिमला में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना काल में नियमित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे पुलिस के जवान भी कोरोना की चपेट में हैं। जिला भर में अब तक 172 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए अब सभी पुलिसकर्मियों के 100% कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। शिमला के ASP प्रवीर ठाकुर ने बताया, हमारे 150 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी पॉजिटिव आ चुके हैं। ऐसे में जरूरी है जो लोग जनता को अपनी सेवाएं दे रहे हैं वे खुद कोरोना कैरियर का काम ना करें, इसलिए सभी कर्मियों के टेस्ट करवाए जा रहे हैं ताकि इसका दायरा सीमित किया जा सके। देखिए, कोरोना के समय में जैसे आपको पता है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स में पुलिस, MC वर्कर्स और डॉक्टर्स, नर्सेज, इनकी भूमिका रही है। और हमारे जवान भी जब से ये हिमाचल में जनवरी फरवरी से ये चला है लॉकडाउन, तब से जवान सड़कों पे हैं। लॉकडाउन रहा पहले और हमारे काफ़ी इम्प्लॉयज़ जो हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं। हालांकि हमने हर थाने में मास्क दिए, सैनिटाइजर्स दिए हैं और उनको हमने समझाया भी कि आपने किस तरह से बिहेव करना है, लेकिन जैसे हमारी पब्लिक डीलिंग्स रहती हैं और कई बार लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ होते हैं, कई बार और इश्यूज़ होते हैं, तो कई बार छोटी सी भूल की वजह से भी कोई व्यक्ति इन्फेक्ट हो जाता है। ये तो है उसका प्रोफेशनल ड्यूटी करती बार, कई बार वो पर्सनल कार्यों से भी होता है, जैसे कोई शादी में चला गया जवान, वहाँ से इन्फेक्शन लेके आया तो थाने में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये अगर अभी तक जो मेरे पास डिटेल है, जिला शिमला में 172 हमारे पुलिस के ऑफिसर्स से लेके जवान तक पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 4 गेस्टेड ऑफिसर्स थे, 2 एडिशनल SPs थे, मैं भी आज ही ऑफिस आया हूँ, और 2 हमारे DSP हैं, SDPO रोडू, DSP रोडू अभी भी हॉस्पिटल में रिपन में, हमारे DSP रामपुर हैं, एडिशनल SP शुक्ला जी हैं, 4 हमारे ऑफिसर्स पॉजिटिव हैं जिसमें से 1 रिकवर हुए हैं, मैं रिकवर होकर आ जाया हूँ। हमारे 5 इंस्पेक्टर्स हैं जो इन्फेक्टेड हैं जिसमें से 3 रिकवर हो गए हैं, 6 सब इंस्पेक्टर हैं जिसमें से 2 रिकवर हो गए हैं, 11 हमारे ASI हैं जिसमें से 6 रिकवर हो गए हैं, 26 हमारे हेड कॉन्स्टेबल हैं जिसमें से 13 रिकवर हो गए हैं, 97 के आसपास आप नंबर मान के चलिए हमारे कॉन्स्टेबल्स हैं, जिसमें से 40 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, और 5 कुक हैं और स्वीपर्स हैं, होमगार्ड के 15-20 जवान हैं। इस तरह से कुल मिला के हमारे लगभग 172 के आसपास लोग हैं। तो एक तो हमें चाहते हैं कि जितने भी पॉजिटिव हैं उनका हमारे पास डाटा आए, क्योंकि एक व्यक्ति आगे इन्फेक्शन ना फैलाए। दूसरा, वर्दी DGP साहब की भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि 100% टेस्टिंग पुलिस जवानों की करवानी है। तो आज हमने सारे SHOs को दोबारा से आदेश दे दिए हैं कि जितने भी थाने में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे SP ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी हमारे पुलिस लाइन में, सबकी हमने 100% टेस्टिंग 2-3 दिनों में करवानी है, ताकि हमारे पास एक आंकड़ा आए कि जो भी हमारे 3-4 हज़ार जवान हैं उनमें से कितने लोग पॉजिटिव हैं। और दूसरा, इनका डेली हम मॉनिटरिंग करना है। हमने हर थाने में ऑक्सीमीटर और जो उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए गन्स होती हैं, थर्मल गन्स होती हैं, वो हमने दिए हैं। अपने ऑफिस में भी हम सुबह मेजर किया करेंगे, एक चार्ट हमने बनाना है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में कोई एम्प्लॉई आता है, उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर है, या ऑक्सीमीटर में उसका जो सेचुरेशन लेवल है 90 या 91 या नीचे है, तो उसका हमने इमीडिएट टेस्टिंग उसकी तो उसी दिन करवानी है और वो ऑफिस में उस दिन काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जो DGP साहब की डायरेक्शन है कि 100% हमने टेस्टिंग इस हफ्ते के अंदर सबकी करवानी है, ताकि सबसे लोगों को तो हमें सुरक्षित रखना ही है, लोगों को मास्क के लिए हम जागरूक कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 2500 के आसपास हमने मास्क के चलान किए हैं, और जिन SHOs ने अच्छा काम किया है, और कुछ एक इतना रूरल एरिया। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए शिमला से ब्रजेश चौहान।